भाजपा पे तो नहीं ना उठ रहे हैं। हम भारतीय समाज पार्टी हैं, उसके राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं। भारतीय समाज पार्टी पे अगर सवाल उठता हो तो बताइए। गठबंधन में हम शामिल हैं, सरकार भाजपा की है, भारतीय समाज पार्टी उस सरकार में शामिल है। हमारे चार विधायक हैं, हम चारों लोग सरकार चला रहे हैं और सरकार में जहाँ जहाँ हम लोगों को महसूस होता है हम लोग सरकार में समझाते हैं, बताते हैं कि यह गलत हो रहा है। बिल्कुल चलेगा। मैं गरीब पिछड़े दलित उपेक्षित कमजोर लाचार लोगों के साथ हमेशा उनकी लड़ाई लड़ा हूं और आज भी लड़ूंगा। जब भी इनके ऊपर जुल्म जाती अत्याचार होगा तो हम इनके साथ खड़े हो जाते हैं, क्योंकि इनके बदौलत हम वहां गए हैं, हम ऊपर से नहीं आए हैं। तो हमारी हमेशा कोशिश होती है कि हम उन्हीं के साथ रहेंगे। हम सरकार में हैं, सरकार में भी रह करके हम सरकार से इस बात की मांग बराबर करते रहते हैं कि हमारी जो चाहत है कि इस प्रदेश में अशिक्षा बेरोजगारी है। प्राथमिक विद्यालय में एक अध्यापक दो अध्यापक के इशारे पर विद्यालय चल रहे हैं और आज ज़रूरत है कि जब तक प्राथमिक विद्यालय जूनियर हाई स्कूल जो सरकारी हैं, जब तक सभी क्लास में अध्यापक नहीं होंगे तब तक शिक्षा में सुधार उत्तर प्रदेश में नहीं आ सकता है। सरकार से हम माननीय मुख्यमंत्री जी से भी इस बात को कहा हूँ और जनता से भी इस बात को कह रहा हूँ कि नहीं अगर सरकारी नियुक्ति हो सकती है तो इनको संविदा पे तमाम छात्र छात्राएं जो है BTC और BED करके बेकार घूम रहे हैं, इनको संविदा पे 5,000 रुपये पर रख दें और 10 महीने के अंदर पूरे उत्तर प्रदेश की शिक्षा में सुधार आ जाएगा। भारतीय समाज पार्टी का मानना है इस देश में सर्वेक्षण करा लिया जाए, आर्थिक आधार पे सभी जाति के गरीबों को आरक्षण दिया जाए। हम पूर्वांचल के लोग हैं, पूर्वांचल पिछड़ा है। पूर्वांचल का विकास तभी होगा जब पूर्वांचल राज्य अलग बनेगा, तभी पूर्वांचल का विकास होगा।